आपने कहा कि पिछली बार जब आप हारे थे, आप पूरी यात्रा वगैरह लेकर गए, पूरे राजस्थान में सब जगह गए और फिर आपने जीत हासिल की, आप उसमें प्रदेश अध्यक्ष थे। रेवंत रेड्डी ने भी यही किया। रेवंत रेड्डी एक एग्जाम्पल है कांग्रेस के सामने कि ओल्ड गार्ड के बजाय नए चेहरे को आगे रख के चुनाव जीता जा सकता है। तो पार्टी, चलिए, फेलियर से नहीं सीखती, अपनी सक्सेस से तो सीख सकती है। तो मैं तो आप जो कह रहे हैं, मैं हमेशा इसका पक्षधार रहा हूँ कि हमेशा नई पीढ़ी के अच्छे नौजवान मजबूत लोगों को हमें आगे लाना चाहिए। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था राजस्थान में, तब मैंने नौजवानों को बहुत मौके दिए। इस बार भी मैंने नौजवानों के लिए बहुत पैरवी करी, उनको टिकट दिलाने की बात करी, और जनता भी पार्टी के इस सकारात्मक निर्णय को पसंद करती है। आप अगर डेटा देखेंगे तो जितने हमने यंग लोगों को टिकट दिया है, उसमें से अधिकांश चुनाव जीत कर आए हैं। तो यंग लोगों को अगर हम लीडरशिप रोल्स में लेकर आते हैं, उनको मौके मिलते हैं, तो पब्लिक पसंद करती है। और ये एक वास्तविकता भी है देश की, नौजवान देश है, यहाँ मजबूत नौजवान लोगों को मौका मिलना चाहिए। अभी ज़ीशान सिद्दीकी ने कहा कि आपने तरीके की बात की, कहा कि हालांकि वो शहर के ही नेता थे, एक मुंबई शहर के, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी की यात्रा में जुड़ना चाहता था, तो मुझसे उनके उनके साथ जो लोग हैं उन्होंने कहा कि 10 किलो वजन कम करके आई है। इसी तरह की बातें बहुत लोग पहले क्या कर गए हैं। जो पार्टी छोड़ के जा रहा है वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना, उसको कुछ ना वो छोड़ के नहीं जा रहे थे, आपने हटाया उनको क्योंकि उनके फादर छोड़ के चले गए। अरे भाई, वो फादर और सन बेटा एक ही बात है, छोड़ गए, ठीक है, जैसा मैंने कहा उनका अपना निर्णय होगा, लेकिन पार्टी छोड़ें, अपने कांडों पे छोड़ें। छोड़ते वक्त नेताओं को गाली गलौज करें या उनके बारे में अपशब्द या दुर्भावना फैलाएं, मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है। आपके बारे में तो अपशब्द कहे गए, आप क्यों बने हुए इस पार्टी, आप क्यों पीछे पड़े? नहीं, अच्छा, मैं अगर मेरे बारे में कहा था तो सुन लिया मैंने, और मैंने कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने कभी भी अपने से किसी बड़े व्यक्ति का हमेशा आदर ही किया है, कभी मान सम्मान में कमी नहीं रखी, और जो कुछ कहा नहीं कहा वो बात पुरानी हो गई। और जैसे मैंने कहा, मुझे कहा भूलो, माफ़ करो, आगे बढ़ो। मैं जब राजनीति में आया था कुछ सोच के आया था, मैं राजनीति में आया था तो कुछ करने के लिए आया था। इस देश में बहुत संभावनाएं हैं कुछ करने की, एक सोच होती है, एक आइडियोलॉजी होती है, एक विश्वास होता है, तो मैं उस पर अड़िग हूँ, उस पर कायम हूँ। ठीक है, कई बार मतभेद हो जाते हैं नेताओं के साथ, साथियों के साथ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप जिस रास्ते पर निकले थे उससे पलट के कहीं और अब जाना शुरू कर दें। देश सेवा का अगर रास्ता है तो वो दूसरी पार्टियों में भी है, बीजेपी में देश सेवा का रास्ता नहीं है? देखिए, वो डिपेंड करता है परिभाषा क्या है। मैं तो कहता हूँ अलग अलग दल हैं, लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि भारत देश को विकसित करना है, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करना है। वहाँ अलग अलग रास्ते जाने के हैं, किसी को जिसको जो रास्ता पसंद है उसमें जाता है। मुझे जो पसंद है मैं वहाँ बैठा हूँ और वहीं काम करूँगा, मैं उसी रास्ते पर चलता रहूँगा। ये क्या आइडियोलॉजी है, क्योंकि अब कई लोगों को तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी ही समझ में नहीं आती। देखिए, पूरे देश में जब से देश आज़ाद हुआ, हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इतने बड़े मुल्क को एक रखने की जो एक भावना है, संविधान को सर्वोपरि रखने की जो भावना है, एक इंक्लूसिव लिबरल सबको साथ लेने की क्षमता, इच्छा शक्ति और परफॉर्म कर दिखाने की जो एक सोच और काम करने का तरीका है, वो मैं समझता हूँ सबसे बेहतर हमारी पार्टी में है। बहुत से दल हैं, 30-40 पार्टियाँ पार्लियामेंट में हैं, अलग अलग दल हैं, लेकिन आज रिक्वायरमेंट देश को ये है कि लोगों को जोड़ने का काम किया जाए। बहुत सारे हमारे यहाँ भाषाएँ हैं, धर्म जाति हैं, वेशभूषाएँ हैं, पृष्ठभूमियाँ हैं, उन सबको एक कैसे रख सकते हैं, और हर एक नागरिक को बराबर का अधिकार है। आज जो मणिपुर में घटना घट रही है, अगर किसी और राज्य में होती शायद उसका रिएक्शन दूसरा होता, लेकिन वहाँ पर रहने वाला इंसान भी इस देश का नागरिक है, वहाँ के लोगों को उतने अधिकार है एक सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, अपने जीवन जीने का। तो उन सबको जोड़ने का जो काम कर सकता है, मैं समझता हूँ वो कांग्रेस का प्लेटफॉर्म सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म।